हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेजेस के बारे में। ये जो गेज होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, किस तरह से हम गेज का यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ गेज, इंडस्ट्री में जो गेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और मैं एक बात दोस्तों, आज की जो मैं गेज बताने वाला हूँ, गेज पर मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको हर तरह के गेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो गेज क्या होते हैं, किस तरह से उन गेज का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो गेज है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे सामने मैं दिखाया आपको, ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास गेज रखे हुए हैं। ये जो गेज हैं, सबसे पहले दोस्तों जानते हैं जो गेज होते हैं ये होते क्या हैं, क्यों हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों जो गेज है, वो गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस गेज की हेल्प से हम किसी भी जो ढोल है या कोई भी डायमेंशन है उसको हम चेक करते हैं। याद रखना दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें दोनों में, मेजरमेंट और चेकिंग में। क्योंकि दोस्तों जो मेजरमेंट होती है वो आपको एक वैल्यू देती है कि क्या रीडिंग आ रही है, कोई कंपोनेंट चेक कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है। लेकिन जो गेजेस होते हैं उसमें हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलती है, सिर्फ हमारा आंसर यस और नो में होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बताना चाहूँ आपको, देखिए आपको ये हमारे सामने ये गेज है, ये आप देखेंगे ये गेज है, जो सपोज दैट ये हमारा जो गेज है 39 mm का जो गेज है। तो ये जो मैं गेज से जब किसी भी डाया को चेक करूँगा तो क्या होगा, ये सिर्फ यस और नो में बताएगा कि ये हमारा साइज है वो सही है या गलत है। तो इतना ही सिर्फ हमें इन गेजेस से पता चलता है। लेकिन मेजरमेंट में डिफरेंस अलग है, मेजरमेंट जो होती है उस मेजरमेंट्स में हमें एक्चुअल वैल्यू पता चलती है कि हम जो 39 mm का होल चेक कर रहे थे उसमें कितना कम रह गया है या कितना ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है मेजरमेंट्स में। लेकिन गेजेस में क्या होता है, गेजेस हमें सिर्फ चेक करके बताते हैं कि जो हमारा जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ओके है या नहीं है, सिर्फ यस और नो में हमें आंसर मिलता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों गेजेस में और मेजरमेंट्स में। तो जो गेज होते हैं, गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके द्वारा हम किसी की कंपोनेंट को चेक करते हैं। जो भी टॉलरेंस दी हुई होती है उस टॉलरेंस के अंदर हम इन सभी गेजेस को चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो गेज है, ये हमारे मटेरियल की बात करूँ, ये हमारे अलॉय स्टील्स और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की स्टील्स के, हमारे हाई हार्ड एंड जो भी हार्ड अच्छी क्वालिटी गुड क्वालिटी की हार्ड स्टील होती है उसके ये बनाए जाते हैं हमारे ये गेजेस। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ गेजेस के बारे में, बताना चाहूँगा आपको कि टाइप्स ऑफ गेज, जो टाइप्स ऑफ गेज जो होते हैं दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, वैसे अगर हम बात करें वर्कशॉप में जो हम गेज यूज करते हैं तो वो बहुत अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम गेज यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे सामने, यहाँ मैंने बहुत सारी टाइप्स के रखे हुए हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो आज दोस्तों मैं अलग अलग सभी गेजेस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक गेज के बारे में प्रॉपर पर्टिकुलर एक एक गेज की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी, यानी अगर जो गेज है वो हमारा एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग गेजेस जो होते हैं दोस्तों तीन टाइप्स के होते हैं, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। दोस्तों आप ये वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। तो मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी बात करें तो गेजेस जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वर्कशॉप गेज, दूसरा इंस्पेक्शन गेज, तीसरा मास्टर गेज। इन तीनों जो गेजेस मैंने बताया एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, दोनों में तीनों में सिर्फ एक्यूरेसी का फर्क रहता है। जैसे कि बात करें वर्कशॉप गेज है हमारे, तो ये जो वर्कशॉप गेज है वो वर्कशॉप गेज को हम अपनी वर्कशॉप में जो हाँ प्रोडक्शंस किया जाता है वहाँ पर हम इन वर्कशॉप गेज का यूज करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन गेज की बात करें, जो इंस्पेक्शन गेज होते हैं वो जब हम वर्कशॉप गेज का रेगुलर यूज करते हैं तो मे बी उनकी डायमेंशंस में कुछ फर्क आने वाला होता है। तो उस डायमेंशन, उस फर्क को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन गेज का यूज करते हैं। इंस्पेक्शन गेज करके हम वर्कशॉप गेजेस का कैलिब्रेशन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मास्टर गेज की। मास्टर गेज जो होते हैं वो बिल्कुल हाई एक्यूरेसी में बनाए जाते हैं हमारे। तो मास्टर गेजेस का यूज हम वर्कशॉप गेज और जो हमारा इंस्पेक्शन गेज है, इन सभी के कैलिब्रेशन के लिए, कैलिब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन वगैरह, तो वहाँ पर हम उस तरह के जो मास्टर गेजेस हैं उनका यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी दोस्तों जो गेज होते हैं वो तीन टाइप्स के हुए, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। तो ये होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, जो ये जो हमारे गेज हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं।
इसके बाद दोस्तों जो हमारे जो गेज होते हैं और कुछ और जो जो गेज है तो हमारा अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी हुए। उसके बाद बात करते हैं हम लिमिट गेजेस के बारे में, जो कि लिमिट हमें लिमिट जो होती है लिमिट के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं, जिसमें हमारा आता है गो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक गेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लग गेज है। इसमें प्लग गेज में क्या है, एक साइड देखेंगे गो और दूसरी साइड नॉट गो। तो ये एक लिमिट, ये होते हैं हमारे लिमिट गेजेस होते हैं, जिसमें हम गो और नॉट गो जो साइजेस होते हैं इनको पर्टिकुलर टॉलरेंस में बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो गेजेस होते हैं वो गो और नो गो जो हैं वो सभी गेजेस कहलाते हैं, हमारे लिमिट गेज कहलाते हैं। दोस्तों लिमिट गेज में बताऊंगा जो हमारा जो गो है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर गो और नो गो, तो अगर हम इसका आइडेंटिफाई करें गो और नो गो में देखेंगे तो जो गो सिरा होता है वो देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए नो गो सिरे से वो बड़ा रखा जाता है। और दूसरी थिंग, जो हमारा गो साइज रहेगा वो हमारा किसी जो हम जॉब चेक कर रहे हैं उसमें अंदर इंसर्ट होना चाहिए, नो गो का मतलब नहीं जाना चाहिए। जो गो साइज है वो हमारा लोअर लिमिट पे बनाया जाता है, इसे मैंने बताया आपको लिमिट गेज है, तो जो गो साइज है वो लोअर लिमिट पे बनाया जाता है, और नो गो साइज जो है हमारा वो हाई लिमिट पे बनाए जाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बात करें अकॉर्डिंग टू लिमिट्स जो गेज होते हैं वो दो टाइप के अलग अलग हो गए, गो और नो गो साइज के। तो ये हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी और अकॉर्डिंग टू लिमिट जो होते हैं गेजेस होते हैं अलग अलग। और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गेजेस के बारे में। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ गेज में हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो अकॉर्डिंग टू वर्क हमारा वर्कशॉप में हम जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत सारे गेज होते हैं, जैसे प्लग गेज में हमारा तीन टाइप्स के अलग अलग, जैसे हमारा ये देखेंगे सिलिंड्रिकल प्लग गेज है, ये टेपर प्लग गेज है, ये यहाँ पर थ्रेड प्लग गेज। तो इस तरह के अलग अलग अकॉर्डिंग टू वर्क अलग अलग तरह के हमारे प्लग गेज हो गए, स्नैप गेज, रिंग गेज, थ्रेड गेज, रेडियस गेज, वायर गेज, फिलर गेज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये हमारा एक फिलर गेज है। इसमें हम फिलर गेज किसी भी दो मैचिंग पार्ट्स के जो हमें गैप चेक करना है उस गैप को, दो मैचिंग पार्ट्स में हमें फिलर जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम इस फिलर गेज का यूज़ करते हैं। ये थ्रेड गेज है हमारा, जैसे कि आप देखें यहाँ पे थ्रेड गेज, इस गेज की हेल्प से हम किसी भी स्क्रू नट या बोल्ट की थ्रेड्स को चेक कर सकते हैं, उसकी पिच को चेक कर सकते हैं। ब्रिटिश और इंचेस में दोनों में आप देखेंगे यहाँ से, ये हमारा मीट्रिक में है 60 डिग्री, यहाँ पर हमें पिच मेंशन होती है। इधर दूसरे देख साइड देखेंगे ये ब्रिटिश का है, विदवर्ड थ्रेड होती है जिसको BSW थ्रेड्स बोलते हैं। दोस्तों मैं थ्रेड्स पे भी बहुत अलग इस पे सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हमारे ये गेजेस के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कितने गेज की चूड़ियाँ हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इसको दिखाया हुआ मैंने। इस पे भी एक स्क्रू पिच गेज पे भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रू और जो नट और बोल्ट होते हैं उनकी पिच को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद और हमारा रेडियस गेज आप देखेंगे, जिसको फ्लिट गेज भी बोला जाता है, रेडियस गेज, ये सभी रेडियस वगैरह चेक करने के लिए हम इस रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये रेडियस गेज है हमारा, फ्लिट गेज या रेडियस गेज। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको, देखेंगे यहाँ पर एक और हमारे पास ये है वायर गेज, इसे वायर सीट्स इनकी सभी की थिकनेस वगैरह चेक करनी है तो इसके लिए हम इस गेज का यूज़ करते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको एक और गेज, यहाँ पर देखेंगे ये रिंग गेज, जैसे कि ये दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पर प्लग गेज दिखाया था वो हो गया हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल डाया। अगर हमें किसी जॉब का एक्सटर्नल डाया चेक करना है तो उसके लिए हम इस रिंग गेज का यूज़ करेंगे, और अगर आपको किसी का होल का इंटरनल डाया चेक करना है तो ये प्लग गेज इसका यूज़ करते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये हमारा टेपर प्लग गेज है, ये इसके द्वारा हम टेपर होल्स जो होते हैं उनको चेक करते हैं। ये हमारा जैसे ये एक्सटर्नल, ये जो हमारा है ये इंटरनल होल्स के लिए, और ये हमारा एक्सटर्नल यानी ये इनसाइड डाया को चेक करने के लिए, ये आउटसाइड डाया को चेक करने के लिए रिंग गेज है, ये प्लग गेज है। तो इस तरह की ये गेजेस होते हैं हमारी, अलग अलग तरह के गेज हम अलग अलग जो वर्क के अकॉर्डिंग, हम काम के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग टाइप्स के हम गेजेस यूज करते हैं। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक गेजेस पे सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो गेज होते हैं उसको इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों हम गेजेस का यूज करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो गेज है, गेज हम गेज की यूज से अपना इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शंस होता है उस प्रोडक्शंस को बढ़ाना है हमें, अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम इन सभी गेजेस को यूज़ करते हैं। पार्ट्स को इन जो भी हम मशीन या कोई कंपोनेंट बनाते हैं उसमें इंटरचेंजेबिलिटी यानी टॉलरेंस की अकॉर्डिंग हम उनको सेट करते हैं, जो अगर वो ख़राब भी हो जाए तो उनको चेंज भी करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनका फिर जब प्रोडक्शंस करते हैं तो हमें प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम इन गेजेस का यूज़ करते हैं। गेज की हेल्प से हम अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, मास प्रोडक्शंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद बताना चाहूंगा कि आपको ये जो गेजेस होते हैं इनको
अर्धकुशल, यानी एक जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो सिर्फ स्किल्ड वर्कर जो उनको यूज करते हैं वही यूज कर सकते हैं, लेकिन गेजिस को हम अनस्किल्ड वर्कर भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में उनको प्रोडक्शंस निकाल सकते हैं। ये सभी फायदे होते हैं हमारे गेजिस के। इंडस्ट्री में गेजिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है होता है। तो ये हम जो मैंने बताया आपको, ये जो गेजिस हैं इस तरह से हम इन गेजिस का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ गेज जो हमारा अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी लिमिट, ये सभी कुछ है हमारा फायदे होते हैं हमारे इस गेजिस के। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको गेज से रिलेटेड, किसी भी गेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रही हो, कोई भी कमेंट रहा हो, कोई भी शिकायत या कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।